हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ पनीर का पराठे आलू मिक्स करके। तब यहाँ पनीर मेरे पास था तो उसको मैश कर दी, उसमें आलू दो मैश कर दी और हरी मिर्च प्याज कट करके रखी थी तो वो भी डाल दी। अब यहाँ नमक ऐड कर रही हूँ, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा सरसों के तेल और धनिया पत्ता ऐड करके फिर इसको अच्छे से मिला दूँगी। मिलाने के बाद यहाँ आटा का रोल बना लूँ, इसको ऐसे गोल गोल करने के बाद इसमें थोड़ा सा लेके भरेंगे। फिर इसको अच्छे से बेलन से बेल लेंगे पतला। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आलू के पराठे कैसे दिख रहे हैं, आलू और पनीर के पराठे हैं। तो इसको देखिए पतला मैं बेल ली। बेलने के बाद इधर मैं तवा रख दी थी, गर्म हो गया था तो अब हो गया पलटती हूँ मैं रोटी को। पलटने के बाद घी कपड़े की मदद से लगा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लग जाते हैं तो पूरा ऑयली ऑयली हो जाता है। फिर दोनों तरफ अच्छे से सेक लेंगे। सेकने के बाद अच्छे से दोनों तरफ अच्छे से हम सेक लिए, अब प्लेट में निकाल लेंगे। सारे पराठे ऐसे ही बना लेंगे हम। और इधर फुदीने आम की चटनी और धनिया पत्ता के बनाई हूँ मैं तो वो रख दे रही हूँ, और साथ में एक गिलास लस्सी भी है मेरे पास तो वो भी रख दे रही हूँ। तो डिनर में आप ये बना सकते हैं, टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। एक बार